गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है अपना हिंदी। तो आज हिंदी में हम पढ़ेंगे दो वर्णों के शब्द, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं, इनका योग करके हम क्या करेंगे, नए शब्द बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये गोल घेरा बनाया है, इसके अंदर मैंने लिखा है कै, फिर कै को मैंने मिलाया ले से, कै को मिलाएंगे बै से और कै को मिलाएंगे बै से। तो इनसे हम दो वर्णों के शब्दों का योग करना सीखेंगे, ठीक है। अब गोल घेरे के अंदर क्या लिखा हुआ है, कै, और बाहर अपने पहले किससे तीर लगा के मिलाया है इसको, ले से। तो ये क्या बनेगा, कै लकल, क्या बन गया, कै ले, कै लकल। फिर अंदर फिर से कै ही है हमारे लिए और बाहर मैंने लिखा है बै, तो कै लिख दिया फिर लिखा बै, तो क्या बन गया, कै बैकअप, ठीक है। आगे फिर गोल घेरे के अंदर क्या है हमारे पास, कै, और बाहर किससे मिलाना है, मैं से। तो पहले लिखेंगे कै फिर लिखेंगे मैं, तो ये क्या बनेगा, कै मैं कम, ठीक है। फिर गोल घेरे के अंदर देखो क्या है, नै नल है ना, तो नै को सभी वर्णों से मिलाएंगे, ठीक है। तो पहले लिखेंगे नै, आगे क्या है, ले लट्टू, तो ये क्या बन गया, नै ले नल। फिर क्या है, नै मैं, तो इनको मिला के लिखेंगे नै मैं नम, ठीक है। फिर अंदर नहीं है, बाहर किससे मिलाना है, टै टमाटर से, तो लिखेंगे नै और टै, तो ये क्या बन गया, नै टै नट। तो आप भी अपनी नोटबुक में ऐसे ही बोल बोल के लिखना, ठीक है। फिर आगे हमारे पास क्या है, जय, और जय को मिलाएंगे जय, जब गोल घेरे में जय है तो जय को अपने तीनों वर्णों से मिलाएंगे, ठीक है। तो जय हमने पहले लिख लिया, फिर ले, जय को ले से मिलाया तो क्या बन गया, जय ले जल। फिर क्या है, बै बकरी, तो बै लिखा, जय बै जब। फिर है सैसलेर, तो यहाँ स लिखेंगे, क्या बन गया, जय सजस, ठीक है, समझ आ रहे हैं ना। आगे हमारे पास क्या है गोल घेरे के अंदर, थे, तो अपने थे लिख लेंगे तीन बार, थे थन थन, प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि हम इनको योग करके इधर लिखेंगे। तो थे को मिलाया अपने ले लट्टू से, तो ये क्या बन गया, थे ले थल। फिर थे को मिलाया मैं मछली से, तो यहाँ लिखेंगे थे मैं थम। फिर मिलाएंगे नै नल से, तो यहाँ नै थे नै थन, ठीक है। ऐसे ही आगे डायग्राम बना हुआ है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है गोल घेरे के अंदर, छ, बाहर है ले लट्टू, ते तरबूज, मैं मछली, तो छ को अपने तीनों वर्णों से मिलाएंगे, छ छाता छ छाता छ छाता, ठीक है। छ को ले लट्टू से मिलाएंगे, छ ले छल, क्या बन गया ये, छल, छ तो छत, तो ये क्या बनेगा, छत। छ में छम, ये बनेगा छम, ठीक है। ऐसे ही आगे हमारे पास है हथौड़ा, तो अपने लिखेंगे है है है। है को मैं से मिलाएंगे, क्या बनेगा, है मैं हम। फिर है और ट है टहट, फिर लिखा हुआ है ठ ठठेरा, तो ये क्या बन गया, है ठहट, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो गोल राउंड के अंदर, तै तरबूज, तो तै तरबूज अपने तीन बार लिखेंगे क्योंकि एक दो तीन, तीन वर्णों से मिला रहे हैं। तो सबसे पहले मिलाएंगे मैं मछली से, तै और मैं मछली मिलके क्या बनेंगे, तम। फिर तै और ल, त और ल, क्या बन गया, तल। फिर त और ब, क्या बनेगा, तब। फिर मैं मछली, फिर मैं मछली,
ठीक है, तीन तीन बार लिख रहे हैं। तो मैं के साथ तैतरभुज लिखा क्या बन गया, मैं तैमत। फिर मैं के साथ रैरथ मिलाया, मैं रैमर। फिर मैं मछली के साथ नैनल को मिलाएंगे, क्या बन गया, मैं नैमन। तो देखो ये दो वर्णों के शब्द बन चुके हैं, कै लेकल, कै बेकब, कै मेकम, नै लेनल, नै मेनम, नै टेनट, जै लजल, जै बजब, जैसे जस। ऐसे ही आप आपको बोल बोल के ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, थै लेथल, थै मेथम, थै नेथन। आगे देखो, छै लेछल, छै तेछत, छै मेछम, है मेहम, है टेहट, है ठहट, तै मेतम, तै लेतल, तै बेतब, मैं तैमत, मैं रेमर, मैं नेमन। ऐसे ही आप बहुत से दो वर्णों के शब्द अपनी तरफ से भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब हम इन दो वर्णों के शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है खै तखत, पै डपढ़। फिर आगे है ले वेलव, घै रे घर, चै ले चल। आगे क्या है, नै ले नल, पै रे पर, जै ले जल, भै रे भर, छै ते छत, पै रे पर, मै ते मत, चै डे चढ़, ठीक है। है ठे हठ, मै ते मत, कै रे कर, ले वे लव, रे थे रथ, पैर पर, चढ़ चढ़, ठीक है। आपको एनआर से गैग्यानी तक आता है, उनका उच्चारण भी करना आता है कि ये तैतरभुज है, ये यग है। ऐसी इन वर्णों को जोड़ जोड़ के सिर्फ क्या करना है, दो वर्णों के शब्द पढ़ने हैं। जैसे खत पढ़, लव घर, चल नल, पर जल भर, छत पर, मत चढ़, हठ मत कर, लव रथ पर चढ़। अब सभी देखो, सभी में दो दो वर्ण है, एक दो एक दो, एक दो एक दो। तो ये क्या है, दो वर्णों के शब्द, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक में भी करोगे ना, तो ऐसे ही बोल बोल के करोगे कि खत पढ़, लव घर, चल नल, पर जल भर, छत पर, मत चढ़, हठ मत कर, लव रथ पर चढ़, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़े, दो वर्णों के शब्द। आप इसे अपनी नोटबुक में भी लिखोगे और बोल बोल के लिखोगे, ठीक है।